हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। देखिए, जिंदगी के बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिनके बारे में मैं हमेशा आप लोगों से बात करता रहता हूँ और आता रहता हूँ हमेशा। आप लोग, आज लाइव नहीं आ रहा हूँ, संडे है, लेकिन लाइव इसलिए नहीं आ रहा हूँ कि लाइव में वो मज़ा नहीं आता मुझे। लाइव में आप लोग आते हैं फिर वही घिसे पिटे सवाल। लाइव तब आऊँगा जब कोई एक अच्छा सा मेरे पास कोई मोटो होगा, जिस चीज़ को लेकर आऊँगा तो इंस्टेंट सोल्यूशन आप लोग को दे सकूँ, इसलिए मैं लाइव नहीं आ रहा हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जिन लोगों को लगता है कि बिजनेस एक खेल है, बस बॉल आया और सिक्सर, चौका, छक्का ऐसे नहीं लगता, इक्की दुक्की भी नहीं लगते, कई बार क्लीन बोल्ड होना पड़ता है, फिर दूसरे मैच की तैयारी करनी पड़ती है, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि बस बिजनेस तो हम आ गए और एकदम से स्टार्ट किया और एक दिन में ही हम करोड़पति बन जाए, ऐसा होता नहीं है। क्योंकि मैं बहुत सारे मशीन्स मेरे पास ऑर्डर आते हैं, कुछ अगर डिले हो जाता है मशीन देने में तो लोगों को लगता है सारा बिजनेस उनका ठप हो गया, जबकि सालों से सोच रहे होंगे वो, लेकिन दो चार महीने होता है भैया हमारा पैसा वापस करो, तो दे देते हैं पैसा वापस। जब आप 6 महीने आप रुक नहीं सकते तो आप जिंदगी के 4-5 साल, 7 साल, 8 साल जो स्ट्रगल करना होता है बिजनेस में, उसको क्या करेंगे आप लोग। आइए अब बात करते हैं कि बिजनेस होता क्या है। देखिए, हम आप सोचते हैं कि अगर हम आज स्टार्टअप कर रहे हैं तो हमें 2-3 महीने में 5 महीने में रिजल्ट दिखना चाहिए, कुछ ऐसा होने वाला नहीं है। 6 महीने तो आप ये भूल जाइए कि आपको कुछ वहां से आना है। 6 महीने आपको अपने जेब से पैसा, हमेशा मैं आप लोगों को बोलता हूँ, 4 चीज़ें अपने दिमाग में आप लोग फिट कर लीजिए, बिजनेस के बिल्कुल उसूल है अगर आप लोग को करना है। मेरे पास 2-2 लाख रुपए की नौकरी छोड़ के कुवैत से, सऊदी से, KFC से, पता नहीं कहां कहां से छोड़ छोड़ के अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लोग आते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग, क्योंकि बिजनेस एक ऐसा चीज़ है जिससे आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। ज़िंदगी को बदलना इन द सेंस क्या है, ज़िंदगी बदल जाएगी, कैसे बदल जाएगी, कोई अभी आप के 2 हाथ 4 हाथ हो जाएंगे। बदलने का मतलब ये है कि आप तब्दील देखोगे, तब्दीली होते देखोगे। जो आप मेहनत दूसरे के लिए कर रहे थे, सपोज आप किसी के लिए मेहनत करो, 20,000 रुपए की सैलरी है, 20,000 रुपए आपकी सैलरी है, लेकिन वो आपसे 5 लाख रुपए का काम करा रहा है, लेकिन यहाँ पे आप अगर सिर्फ 20 की जगह 40,000 भी कमाते हैं तो खुद के लिए कमाते हैं, अपनी एक पहचान होगी आपकी, खुद का ब्रांड होगा। समय लगेगा, एक दिन का खेल नहीं है, लेकिन समय तो वैसे भी बीत रहा है, 1 साल 2 साल 5 साल 6 साल बीतता जा रहा है। आप पीछे मुड़ के देखोगे कुछ नहीं पाया आपने, नौकरी की है दूसरे के लिए, चंद पैसे उसके द्वारा आप लोगों को दे दिया गया है, उसके बाद क्या करोगे आप लोग। पीछे मुड़ के जब देखोगे आप लोग कुछ नहीं पाया है, लेकिन अपना स्टार्टअप करोगे, कुछ नहीं पाया होगा, एक स्टैंड होगा आपका खड़ा होने के लिए, जैसे बस स्टैंड होता है ना, एक आपका अपना स्टैंड होगा, आपका खुद का बिजनेस, वहां जाके खड़े होकर आप कह सकते हैं कि ये मेरा है और मैं इससे आज 1 रुपये कमा रहा हूँ, कल 1 करोड़ कमाऊंगा, लेकिन समय दूंगा उसके लिए, एक दिन का। देखिए, बिजनेस को समझने का एकदम, क्योंकि मैं थोड़ा फिलोसफी करता हूँ ना, लोग कहते हैं कि यहाँ पे आके बकचोदी करते हो, ज़्यादा बकवासबाजी करते हो। मेरे पास कोई चीज़ है आप लोग को देने के लिए, सिर्फ मोटिवेशन देना या सिर्फ आप लोग को डेडिकेट कर देना, ये मेरा काम नहीं है। मेरे पास कुछ है, लेकिन उस कुछ को कैसे आप लोग करेंगे, उसके लिए आप लोगों तक इतनी सारी बातें मैं करता रहता हूँ आप लोगों से, मुझे कोई शौक नहीं है बात करने का। तो बिजनेस क्या है, आइए थोड़ा सा फिलोसफी के माध्यम से समझते हैं कि है क्या बिजनेस। देखिए, आपकी ज़िंदगी में कभी उतार आता है, कभी चढ़ाव आता है, कभी आप बीमार हो जाते हो, कभी आप बहुत स्वस्थ रहते हो, तो जब बीमार होते हो तो क्या आप मर जाते हो, आपको लगता है कि मैं बीमार हो गया, मेरे को ज़िंदगी छोड़ देना चाहिए। तो ऐसे ही बिजनेस है, जब तक आपका बिजनेस रहेगा कभी नीचे कभी ऊपर, कभी बिजनेस बीमार हो जाएगा, कभी पैसे आने बंद हो जाएंगे, कभी बिजनेस में आपके लॉस होगा, कभी आपके पास ऑर्डर नहीं होगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी, लेकिन क्या आप बिजनेस बंद कर दोगे। जैसे आप बीमार होने के बाद ज़िंदगी को जीना नहीं छोड़ते, वैसे ही आपके बिजनेस में उतार चढ़ाव आता है तो बिजनेस बंद कर दोगे आप, लड़ना पड़ता है। जब वहाँ से लड़ के ऊपर उठोगे तो फिर पीछे मुड़ के देखो, कहोगे मेरा बिजनेस लॉस में था, मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन मैंने मेहनत करके इसको ऊपर तक पहुँचाया। 10 लोग आपसे जुड़ेंगे, वो 10 लोग 100 लोग 1,000 लोग 1,00,000 लोग, लेकिन आप जब लगे रहोगे तब ये कारवा आपका बढ़ेगा। एक दिन का खेल नहीं है कि आप बस आज स्टार्ट किया और कल से पैसा कमाने लग गए, ये ऐसा होने वाला नहीं है, बहुत आसान है। अब आपको 2-3 चीज़ें और समझाता हूँ जो मैं हमेशा समझाता रहता हूँ। जो भी बिजनेस आप लोग को स्टार्ट करना है, वट एवर, कुछ भी हो, जो भी आप लोगों को स्टार्ट करना है, उसको पिक करिए, मार्केट में जाके सर्वे करिए कि भाई मैं नमकीन बेचने जा रहा हूँ तो नमकीन कितने का आ रहा है, अगर मैं 200 ग्राम दे रहा हूँ, 100 ग्राम दे रहा हूँ, 500 ग्राम दे रहा हूँ, वो कितने का आ रहा है दुकानदार को, दुकानदार कितने का बेचेगा। ये बेसिक से बिल्कुल फंडे हैं जिसके पढ़ाई के लिए आप लोग 5-5 लाख रुपये का MBA करते हैं, कुछ नहीं होने हासिल होने वाला। बिना MBA के आप लोग को बिजनेसमैन बना दूंगा, सिर्फ करने वाले बन जाइए आप लोग, क्योंकि मेरे छोटे छोटे जो आइडियाज होते हैं, बड़े कारीगर होते हैं, इनको मार्केट में जो लेके गए हैं मेरे पास कमेंट्स करते हैं, मैं 10,000 कमा रहा हूँ, 20,000, और एक दो रोड़ी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, लोग आके मशीनें लेके जाते हैं, मुझे बहुत खुशी मिलती है कि मैं इस लायक हूँ। तो जब मैं इस लायक हो सकता हूँ तो आप क्यों नहीं हो सकते।
हम सब के पास दिमाग है, दो हाथ है, दो पैर है। मैं सिर्फ बकवासबाजी नहीं करता कि मेरा अगर कोई कुछ सेटअप हो गया, कोई सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत चमक गया तो आगे बड़ी बड़ी बातें करने लगता है। देने के लिए कुछ नहीं होता, मैं बात करता हूँ उस पर जो टॉपिक मेरे पास है, मैं दे सकता हूँ आप लोगों का, काम स्टार्ट करा सकता हूँ, लेकिन वो स्टार्टअप करने के लिए लोगों के पास ऊर्जा नहीं होती है। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा ऊर्जा आप लोगों में भर दूँ ताकि आप लोग मार्केट में जाके अपने आप को बूम दे सके। अब आइए बात करते हैं कि करना क्या होता है। जो बिजनेस आप लोगों को करना है, वट एवर, आप कोई भी एक पिक करिए, कुछ भी कैंडी। सबसे पहले जैसे अब ये सांस फूल रही है ना, ये ऐसे सांस फूलेगी आप लोगों की, मैं बोल रहा हूँ तो सांस फूल रही है। आप लोग मार्केट में भागोगे तो कितनी सांस फूलेगी। सांस को एकदम डीप ब्रेथ आप अंदर लीजिए, सांस को छोड़िए। इसी तरीके से बिजनेस चलता है। जब लॉस में हो तो आराम से रिलैक्स करिए, थोड़ा सा सोचिए कि भाई क्या है, क्या करना चाहिए, हम क्यों लॉस में जा रहे हैं, दोबारा उठ के लड़ेंगे। भाई नौकरी भी आप एक जगह छूटते तो दूसरी जगह भागते हो, लेकिन वो मिलता क्या है वहां पे आपको, 10-20 हजार 50 हजार रुपए, उसमें क्या होने वाला है, 1-2 लाख रुपए। बिजनेस ऐसा है जो आपको वहां तक पहुंचाएगा जहां तक आपने सोचा नहीं होगा। स्टार्ट तो करो, आप लोग करते नहीं हो, बस करने से पहले आप लोगों तक आवाज क्लियर पहुंचे, इसलिए मैं एसी पंखा सब कुछ बंद कर देता हूं, पसीने में बोलता हूं, क्योंकि आवाज क्लियर जानी चाहिए। ऐसे ही आप लोगों का जो विजन है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट क्लियर होना चाहिए कि मुझे यही करना है, यही करूंगा, मैं उस पर लग जाऊंगा। तो अब क्या करना है आप लोगों को, कोई भी एक आपने क्लिक पिक किया, मार्केट में जाकर सर्वे किया, भाई इतने का आ रहा है, इतने का आ रहा है। अब एक बात मुझे बताओ, मैं बहुत सारे पूरे इंडिया के कोने कोने में जो काम लोग सोचते थे कि 50 लाख 1 करोड़ में शुरू होगा, 20 लाख में शुरू होगा, मैंने 4 लाख 5 लाख 2-3 लाख रुपए में लोगों का काम स्टार्ट कराया, गली गली में प्लांट लगवाए हैं। ये जो फ्रेम्स वगैरह था, फ्राई करिए, पैक करिए, भेज दीजिए, पर नमकीन से लेके हर एक बिजनेस का मैंने मशीनों का रेट इतना ड्रॉप किया है कि आप लोग सोच नहीं सकते हैं। जिन्होंने किया है उनको पता है, जो स्टार्ट कर रहे हैं। अब आपको क्या करना है, मार्केट में सर्वे कर लिया आपने, अब ये देखना है कि जब ये हाथ रस का नमकीन या फिर ये फ्रांस जाके बनारस तक बिक रहा है तो वो ट्रांसपोर्ट का खर्चा कितना आ रहा है। वो 4 रुपए का दुकानदार को दे रहा है, मैं अपने लोकल में बनाऊंगा, उससे अच्छी क्वालिटी दूंगा, मसाला भर भर के डालूंगा उसमें और बेचूंगा कितने का, 3 रुपए का। सीधा दुकानदार को 1.5 रुपए 1 रुपए ज्यादा एक्स्ट्रा मिलेगा, वो आपका माल बेचेगा। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो भी प्रोडक्ट आप लेके जा रहे हैं, मैंने 1-2 नमकीन के लिए वीडियो बनाया था, उसमें लोग कहते हैं ये बेवकूफ है, पागल है, ये है वो है, इतना लॉस हो जाएगा। लॉस आपको उठाना पड़ेगा। आपको मार्केट में जगह बनाने के लिए आपके पास कोई चारा नहीं है, मुंह में खून लगाना है दुकानदारों के। 10-15 रुपए मैंने प्रॉफिट दिया था 200 ग्राम के नमकीन में, मांगते थे आके मेरे से, क्वालिटी था उसमें। आपको ये काम करना पड़ेगा, ये काम आपको इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि एक प्रोडक्ट में अगर आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट देके पूरा मार्केट बनाते हैं, उसके बाद 10-12 प्रोडक्ट में 56-54 भी कमाएंगे, बहुत सारी कमाई हो जाएगी आप लोगों के पास। अभी इस वीडियो में, आज संडे है, बहुत सारी वीडियो लाने की कोशिश कर रहा हूँ, सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बिजनेस स्टार्ट कर दो आज से। अभी खड़े हो ना आप लोग, अगर वीडियो देख रहे हो, अभी स्टार्ट करेंगे, कुछ भी करेंगे। आपको रैपर चाहिए, जो चाहिए, आप लोग नंबर डिस्क्रिप्शन में, वहां पे कॉल करिए, मैसेज करिए, आप लोग को सामान दिया जाएगा। स्टार्ट करो ना आप, 10-20 रुपए 50 रुपए 1000-2000 रुपए का खा के पान थूक देते हो, इससे बिजनेस स्टार्ट करो। आपकी जिंदगी नहीं बदली तो आके मेरा गिरबान पकड़ लेना आप लोग, बदलेगी 100%, क्योंकि जब आदमी कुछ करता है तो बदलाव देखता है। तो मिलेंगे फिर ऐसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।